Hello friends, welcome to Programming Desire. And today in this video we are going to learn how to use delay function in C language. So अगर हम बात करें डिले फंक्शन की सी लैंग्वेज में तो इस फंक्शन का यूज करके हम अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं. इसका मतलब ये हो गया कि हम अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को जितने देर के लिए चाहें उतने देर के लिए रोक सकते हैं. अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो मैं अभी आपको ये क्लियर कराता हूँ इस स्टेटमेंट की मदद से. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में है वो सिर्फ सिंपल दो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है. तो जैसे ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे तो एकदम से जो आउटपुट होगा वो आएगा हेलो, देन एक टैब का डिफरेंस, देन हाय, ये आएगा. इसमें भी रिजल्ट वही आएगा, आउटपुट वही आएगा, बट इसमें डिफरेंस ये होगा कि जब ये फर्स्ट लाइन रन होगी तब हेलो प्रिंट होगा. फिर यहाँ जो डिले फंक्शन कॉल होगा 1000 मिलीसेकंड का डिफरेंस क्रिएट होगा. तो इसका मतलब ये होगा कि जब हेलो प्रिंट हो चुका होगा हमारे आउटपुट स्क्रीन पे कंसोल पे, देन आफ्टर 1 सेकेंड और 1000 मिलीसेकंड हाई प्रिंट होगा. ठीक है, तो पहले ये प्रिंट होगा, फिर कुछ देर का समय लगेगा अराउंड 1 सेकेंड, देन हाई प्रिंट होगा. तो आउटपुट तो वही आना है बट यहाँ बीच में एग्जीक्यूशन रुकेगा 1000 सेकेंड के लिए, क्योंकि इस एग्जांपल में मैंने 1000 लिखा हुआ है. तो 1 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूशन रुक जाएगा. तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो, देन वेट फॉर 1 सेकेंड एंड देन हाय विल बी प्रिंटेड देयर. देन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिले फंक्शन का यूज हम कैसे करेंगे. बट यहाँ पर हम देखते हैं डिले फंक्शन के बारे में कुछ और चीज़ें, जैसे कि प्रोटोटाइप क्या है डिले फंक्शन का. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिले फंक्शन कुछ रिटर्न करता नहीं है, दैट मीन्स इसका रिटर्न टाइप void है. देन ये कुछ पैरामीटर्स को डील करता है, ठीक है, वो है अनसाइंड इंट. और ये जो इंटीजर टाइप का पैरामीटर हम सेंड करते हैं डिले फंक्शन को कॉल करते समय, तो ये नंबर ऑफ मिलीसेकंड्स होता है कि कितने देर आप अपने प्रोग्राम को पॉज करना चाहते हैं, सस्पेंड करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं. तो अगर आपने यहाँ पर 1000 लिख दिया है और डिले फंक्शन की कॉलिंग कर दी है तो आपका प्रोग्राम 1000 मिली सेकेंड्स के लिए, दैट मीन्स 1000 मिली सेकेंड्स होता है 1 सेकेंड के लिए, आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा. देन फिर 1 सेकेंड के बाद आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ उस स्टेटमेंट के बाद, उस डिले फंक्शन के स्टेटमेंट के बाद. तो इसका फॉर्मल डेफिनेशन ये हो सकता है कि डिले फंक्शन इज यूज टू सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. इसका सिंपली ये मतलब हुआ कि डिले जो फंक्शन है वो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कुछ समय के लिए रोकने के लिए यूज किया जा सकता है. ठीक है, ये तो हुआ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे. तो मैं कुछ यहाँ ओपन कर लेता हूँ, कोई भी आईडी ओपन कर सकते हैं हम. फिलहाल मैं टर्बो सी आईडी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ. एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो, देन एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ हाय, और देन बैकस्लैश टी एक टैब के डिफरेंस के लिए, देन गेट सी एच. ये ज़रूरी नहीं है, आप आउटपुट यहाँ से भी देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन को मैन्युअली ओपन करके, बट मैं
गेट सी एच यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारा प्रोग्राम हो गया पूरा, आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं अभी दिखाऊंगा कि ये दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने पर क्या आउटपुट मिलता है और फिर से ये तीनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने पर हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं हम, और यहाँ पर मैं CLRSCR यूज कर लेता हूँ, देन कंपाइल किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं रन करता हूँ इसे, आप देख सकते हैं कि हेलो हाय डायरेक्टली हमें आउटपुट पे मिल गया, आउटपुट स्क्रीन पे मिल गया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रन किया इसे, हमें हेलो हाय मिल गया। अब मैं डिले फंक्शन को इंट्रोड्यूस करता हूँ इस हेलो और हाय के बीच में, तो डिले, ठीक है, डिले 1000, ठीक। तो 1 सेकेंड का टाइम बीच में इंट्रोड्यूस हुआ है और ये 1 सेकेंड का डिले होना ज़रूरी है क्योंकि हेलो जैसी प्रिंट होगा उसके बाद 1 सेकेंड का टाइम लगेगा, वेट होगा क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन 1 सेकेंड के लिए रुक चुका होगा क्योंकि हमने यहाँ 1000 मिलीसेकेंड दे दिया है जो कि 1 सेकेंड के बराबर होता है, फिर हाई प्रिंट होगा यहाँ पर। तो चलिए रन करते हैं इसे, आप देख सकते हैं, फिर से मैं रन करता हूँ, हेलो के 1 सेकेंड के बाद हाई प्रिंट होगा, हेलो हाय, ठीक है। आप यहाँ इंक्रीज करके भी देख सकते हैं, दो कर दिया 2000 मिलीसेकेंड, तो ये सिंपली 2 सेकेंड के बराबर हुआ। तो पहले हेलो प्रिंट होगा, पहले हेलो प्रिंट होगा उसके बाद हाई प्रिंट होगा 2 सेकेंड के बाद, हेलो प्रिंट हुआ 2 सेकेंड जैसी होगा हाई प्रिंट हो चुका है। तो दोस्तों ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है डिले फंक्शन अगर आप सी लैंग्वेज में कोई एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो, और वैसे डिले फंक्शन का यूज बहुत जगह आप कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी कि आप कहाँ यूज करना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।